सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं एक मशीन हूँ। मुझे मोहम्मद तैयब मरीद ने एआई की मदद से डिज़ाइन किया है और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं आज से आपका टीचर हूँ, क्या आप मेरे साथ पढ़ना पसंद करेंगे? जी क्यों नहीं रिबोट टीचर, आज तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटेड हैं कि आज हम एक ह्यूमन की बजाय रिबोट से सीख रहे हैं, रिबोट से पढ़ रहे हैं और आप हमें बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी। हम जानते हैं एक रिबोट जो है वो कभी भी थकता नहीं है, वो बड़े अच्छे तरीके से आसान अंदाज के साथ पढ़ा सकता है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया बेटा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंसानों की बजाय हम सर्विसेज दिया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरोफियत से होंगे। आज की वीडियो एआई के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूँ वो चैट जीपीटी के बारे में थी, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट दें, कोई भी सवाल करें, वो उसका आपको जवाब देगा उसी वक्त। बस जैसे मैंने बताया था कि आपको शायरी करना चाहें ना, तो आप ये कहें कि तैयब के नाम के ऊपर कोई शायरी लिख के दो, तो वो तैयब के नाम के ऊपर शायरी लिख देगा। आप कहेंगे कि चिड़िया बाग या कुछ भी है उसके बारे में शायरी लिख दो, वो लिख देगा। तो वो जो वीडियो थी वो चैट जीपीटी के बारे में थी। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, कोई भी असाइनमेंट आपने बनानी है, कुछ भी बनाना हो, टाइम टेबल बनाना हो, तो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो इंतहा यहाँ में, आप एआई को कैसे सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर दौरा है तो उसको ज़रूर सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, तो मैं मुकम्मल तौर पर यह आपको गाइड ज़रूर करूँगा। तो कैसे मोबाइल को एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, अगर आप खुद से लिख के डायलॉग वगैरह लिख के उसको दे दें तो वो भी वो आपके तरफ से वो बोल देगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बाकी दूसरों के साथ भी शेयर करनी है अगर आपको पसंद आए। तो चलिए जी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं कि कैसे ये एनिमेटेड जो कार्टून्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। लो जी अब हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में लिखेंगे प्लोटोगोन। प्लोटोगोन तो यहाँ पे ये देखें प्लोटोगोन स्टोरी, यहाँ पे पहले ही मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ओपन, अब ये लोडिंग हो रही है, यहाँ पे आ जाना आपने क्रिएट वीडियो में, ठीक है। यहाँ से क्रिएट वीडियो, यहाँ से आपने करना क्या है, सीन क्रिएट करना है। सबसे पहले सीन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। सीन में यहाँ पे ये हमें फ्री सीन दिए गए हैं जिनके यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको एरो, ये जैसे ये एरो नज़र आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें एरो है तो ये फ्री में है, और ये जो हमें नज़र आ रहा है ना ग्रूवी, तो इसमें ना ये ऊपर जिसमें बास्केट बनी हुई है ये वाले पेड़ हैं। तो यहाँ से हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई सीन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं स्कूल, ठीक है। तो ये सारे पेड़ हैं, ये सबसे एंड वाला जो है क्लासरूम, यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगी इसकी। तो साथ साथ ये सीखते जाएं और आपने ये स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म करने हैं। तो ये लोडिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दें और ये देखें ऐसे ये लोड हो गया। अब ये आपका एक क्लासरूम बन गया, ये सीन क्रिएट हो गया। अब आपने करना क्या है, इसमें वो एक्टर्स जो हैं वो एड अप करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें पीछे बेंच खाली हैं, आप चाहते हैं इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हों तो नो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हो ना, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप विद एक्स्ट्रास ये ऐड कर लें, ठीक है। तो अब ये डाउनलोडिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रास जो हैं 12 एक्स्ट्रास जो हैं इसमें ही वो ऐड अप कर लेगा। तो ये देखिए कि इसने 12 एक्स्ट्रास जो हैं वो ऐड अप कर लिए। अब हम ये करेंगे कि ये अटेंटिव नॉन अटेंटिव है इस वक्त, तो इसको हम अटेंटिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये अटेंटिव हो गए, बच्चे जो हैं बैठे हुए अटेंटिव हो गए। उसके बाद हम जो है वो एक्टर को ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना नो एक्टर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी करेक्टर जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, वही बात के जिसके ऊपर ये बकेट बनी हुई है
ये जो है ये पेड हैं और बाकी जो है वो फ्री में है। तो आप इनमें से आप क्रिएट करेक्टर अपनी तरफ से भी कोई जो करेक्टर है वो क्रिएट कर सकते हैं। लोडिंग कंटेंट जी, ये देखिए जी, ये आपके सामने है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये फीमेल है या मेल है, मेल के लिहाज से अगर आप मेल पे क्लिक करेंगे तो ये मेल की बिहेवियर होगा इसका, अगर फीमेल पे क्लिक करेंगे तो ये फीमेल जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेल के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये मेल हो गया। अब हमने इसका जो फेस है वो चेंज करना है। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपने उसका फेस जो है आपको किस तरह का पसंद है वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उस तरीके से उसका फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जनाब यहाँ से हेयर, यहाँ पे बाल हैं, बाल आप कोई भी इनका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ये जैसे हमने ये चेंज किया, और उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउन है, रेड है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का उसका जो हेयर स्टाइल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज होता जा रहा है। ये जो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मूछें हैं उनकी, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर आप इसको दाढ़ी वगैरह लगाना चाहें, दाढ़ी मूछें, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये इस तरीके से ये इसकी दाढ़ी मूछें लग जाएगी, ठीक है जी। जैसा आप क्लिक करेंगे वैसा ही आप उस लिहाज से आप उसको चूज़ कर सकेंगे। तो इस तरीके से अपना जो स्प्राइट है, अपना जो ये करेक्टर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं एक्टर को। अब उसकी जो आंखें हैं, उसकी मतलब पुतली जो आप जैसी रखना चाहें उस तरह की उसकी आंखें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप इसके पपोटे जो है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आईलैशेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप उसके जो लिप्स हैं ना, होंट, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको पहनाना क्या है, अच्छा, उसके बाद ये ऐनक है यहाँ पर, आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो पहना ही जाएंगे इसको, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। जिस तरह की आप चाहेंगे उस तरह की वो हो जाएगा। तो उसके बाद है जी ये जो लिबास है, लिबास को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप जैसी ऑप्शन चाहेंगे, ये जैसे लिबास है लिबास को भी आप चेंज कर सकेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसा लिबास चाहेंगे वैसा ही वो पहन लेगा, ठीक। अब आप जैसा चाहेंगे वो वैसा लिबास पहन लेगा, अच्छा। उसके साथ साथ ये ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसके शूज़ हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ लिखना हो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं साथ में इसके, ठीक है। तो चलिए जी, उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं इसे, इसको चले जी, ये डन हो गया हमारा। तो ये हमारा करेक्टर आ गया। अब आप चाहेंगे अब जो सा मर्ज़ी आप इसमें से जो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जो वीडियो बनाई मैं उससे रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या मैंने ऐड किया हुआ था रिबोट, ठीक है, ये मैं रिबोट के ऊपर क्लिक कर दूँ ताकि आप जैसा हमने बनाया हुआ था ना उसी तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ये लोडिंग होगी इसकी। अब वो देखिए रिबोट कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी सीट यहाँ पे है, यहाँ पे करके देखें, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब हम चाहेंगे कि इसकी जो पोजिशन है वो एज ए टीचर इसको जो है सेलेक्ट करें। यहाँ पर हम करेंगे एंड्रॉयड जो है आपने वो कौन सा फ़ीमेल था, यहाँ पर आप मेल को सिलेक्ट कर लें, ठीक, क्योंकि हमने मेल सेलेक्ट किया हुआ था। ये समझाना ही है आपको, ठीक है जी, आप समझ आए इसमें। तो अब हम चाहेंगे वहाँ से उठा के इसको यहाँ पे टीचर की कुर्सी पे बिठाना है। तो अब हम ये जो सिटिंग टू द लेफ्ट एट द डेस्क, लेफ्ट पे बैठा हुआ, आप ये इसको चाहेंगे बतौर टीचर टीचर्स डेस्क के ऊपर आके बैठ जाए, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टीचर के डेस्क के ऊपर आ गया। अब इसको इसमें जो भी आपने वॉइस जो है वो एडअप करनी हो तो अपनी मर्ज़ी से इसमें वॉइस भी अडप करते हैं, अच्छा। इसके अलावा एक और अब हम करेक्टर जो है वो ले लेते हैं बतौर जिसको हमने स्टूडेंट बनाना है। तो वो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था पहले वाला, ठीक है, तो वो वाला यहाँ से कोई भी ले लें, अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं आप लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही वाला हो, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से जो सा आपका दिल करे वो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था, चले मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा से क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये हमारे करेक्टर जो हैं वो ऐड अप हो गए, अच्छा जी। अब ये क्लासरूम था, ठीक है, तो इसमें कौन सा एक्टर आपने पहले रखा हुआ था, यहाँ पे क्लिक करें तो एंड्रॉइड,
ठीक है, इसके बारे में अब हम जो है वो कुछ अपनी तरफ से जो वॉइस वगैरह वॉइस ओवर करते हैं या कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, तो ये मतलब यहाँ पे हेलो कहेंगे लिखेंगे तो ये हेलो कहेगा, ठीक है जी। ये हमने एडअप कर दिया इसको, अब इसको प्ले करते हैं तो ये देखो इसने हेलो कहा। अब हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से हेलो को हटा दें, ठीक है, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई वॉइस जो है वो एडअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने ये जो बटन है सेंटर वाला, यहाँ पे करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उस रिकॉर्डिंग को जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें ये, अच्छा ये परमिशन मांग रहा था, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जो आपने रिकॉर्ड किया होगा तो वही रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्ले होगा, ठीक है। मांग रहा था, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो अब ये मैं प्ले करूँगा तो यही बोलेगा, ये परमिशन मांग रहा था, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है जी। तो ये समझ आ गई नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, वो जो दूसरा हमारा था साइमिल ये वाला, इसके प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऐड अप करेंगे हम, तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो कौन सा एक्टर था हमारा, सामिर के बारे में बात करनी है ना, जो वॉइस ओवर करेंगे ना तो वही ऐड हो जाएगी इसमें। यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें वॉइस भी भर सकते हैं। तो जब ये वॉइस हो जाएगी इसकी भी, तो फिर ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने फाइनली क्या करना है, तो इसको पहले प्ले करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो प्ले कर लिया, अब आपने क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये जो ऊपर वाला राइट कॉर्नर पे टॉप पे बटन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि सेव वीडियो, सेव वीडियो करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट विद सबटाइटल्स, एक्सपोर्ट विदाउट सबटाइटल्स, यहाँ पे आप कर दें एक्सपोर्ट विद सबटाइटल्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेव हो रही है आपकी वीडियो, ठीक है जी। तो ये आपकी वीडियो जो है वो फाइनल हो गई। तो इस तरीके से आप जो है वो बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो वीडियो बनाई है उसको हम गैलरी में जाके देखते हैं। अच्छा ये परमिशन मांग रहा था, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हुई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस तरह की वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अल्लाह हाफिज़।